मांडुक्य उपनिषद के तृतीय प्रकरण, जिसका नाम है अद्वैत प्रकरण। इस अद्वैत प्रकरण में इसके पहले दो प्रकरण में आगम प्रकरण और वैतथ्य प्रकरण। आगम प्रकरण में जगत की वित्तत्व को श्रुति वाक्यों के सहारे सिद्ध किया गया, वैतथ्य प्रकरण में आकर के उसी को युक्ति के द्वारा निषेध है। अब जो है तब ऐसे लगा जब संसार में सभी वस्तु मिथ्या है तो अद्वैत भी मिथ्या होगा। तब यहाँ पे तब अद्वैत भी मिथ्या होगा, तो यहाँ पे अद्वैत मिथ्या नहीं है, अधिष्ठान पारमार्थिक सत्य वस्तु है। इसलिए यहाँ पे आपको श्रुति वाक्यों के श्रुति और श्रुति अनुकूल युक्ति के द्वारा भी हम इसको समझ सकते हैं, श्रुति अनुकूल युक्ति के द्वारा इसको समझ सकते हैं। इसको लेकर के हमारा अद्वैत प्रकरण शुरू होगा। तो पहले यहाँ पे दिखाया जाता है जो भेद दिखाई पड़ते हैं, ये भेद क्या है। जिस प्रकार आकाश में आनुवांशिक भेद नहीं होते हुए भी खंडाकाश महाकाश पटाकाश आदि का भेद दिखाई पड़ते हैं, वो ठीक है घटाकाश मठाकाश दिखाई पड़ते हैं, वो उपाधि के कारण में आकाश में ऐसा परिच्छिन्नता की प्रतीति होती है। वास्तविक आकाश में कोई परिच्छिन्नता नहीं है, परंतु श्रुति ने तो अलग अलग लाइट नहीं है, अभी जला के रख दीजिए लाइट आने का नहीं, केवल मत इन्वर्टर काम कर रहा है। श्रुति वाक्य जो आया हुआ है सृष्टि वाक्य से जो संबंधित उसको उपयोगिता है, उपाय से अवतार आए, मतलब वो एक श्रुति ने उपाय अपनाया कि जो एक पूर्ण व्यापक शुद्ध चेतन निर्विशेष तत्व को समझाने के लिए विशेषता के आरोप करके वो निर्विशेषता को समझाया गया। और फिर जो उपासना कर्मों के आदि का जो बात आया हुआ है वो अधिकारियों को उत्तम अधिकारी बनाने के लिए, ताकि उसको वेदांत को समझ में आ जाए, कर्म और उपासना के बारे में कथन किया गया। और अन्य वादियों के सिद्धांत तो सारे द्वैतवादी है, जितना आस्तिक दर्शन है जितना नास्तिक दर्शन है सब द्वैतवादी है, तो उसके साथ तर्क का विरोध होगा। बोलते उसने पूरा की पूरा श्रुति वाक्य के तात्पर्य को नहीं निकाला, अपने सिद्धांत को बना के फिर उसके सिद्धांत को श्रुति वाक्य वगैरह पुष्ट कर दिया। परंतु यहाँ जब संपूर्ण श्रुति के तात्पर्य निर्णय क्षय लिंग में डाल कर दिया तात्पर्य निकलते हैं, तो अद्वैत में ही पर मतलब उसका तात्पर्य है दीर्घाहित्व में एकत्व में तात्पर्य, भेद में तात्पर्य नहीं है। इस प्रकार कथन करने के बाद कोई काम को समझ में क्यों नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि तू मन तुम्हारे विषय को देखना पसंद करते, मन द्वैत देखना पसंद करता, जन्म के संस्कार ऐसी बनी हुई है, इसलिए क्या है हम द्वैत ही दिखाई देते हैं हमको। यदि एक बार मन को अमन कर सकते तो देखो अपने मन को अमन कैसे कहाँ होता है, सुषुप्ति अवस्था में जाकर देखो, मूर्छा अवस्था में देखो, समाधि अवस्था में देखो, आपको देखते हो तो दिखाई पड़ता है नहीं दिखाई पड़ता। तो ऐसे ही यदि जागृत को सुषुप्ति बना दोगे तब क्या हो जाएगा, नहीं तो प्रकृति नहीं दिखाई पड़ेगा। तो जागृत को सुषुप्ति बनाए कैसे, तब बोलते हैं कि सुषुप्ति में क्या स्थिति होती है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के साथ आपका संबंध छोड़ जाता है। जागृत में भी ऐसे ही बैठ करके विचार पूर्वक जड़ के साथ चेतन का संबंध नहीं हो सकता, चेतन अधिष्ठान के कारण जड़ में तो व्यवहार होना संभव है, परंतु जड़ के साथ चेतन का संबंध होना तो संभव नहीं। इस प्रकार विचार पूर्वक सत्य कौन वस्तु है, आत्मा, और बाकी जो भी कुछ प्रपंच दिखाई पड़े पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है। इस प्रकार से बार बार विचार पूर्वक आत्म सत्य अनुबोधेन न संकल्पयति, जब व्यक्ति बार बार विचार करते रहते अपने कि सामान्य यदि हम व्यवहारिक जगत में भी देखेंगे अथवा इस वेदांत में भी दोनों किसी दृष्टिकोण से देखिए, प्रत्येक व्यक्ति क्या चाहते हैं, प्रत्येक जीव शांति अथवा आनंद से जीना चाहते हैं। ये जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं वो कैसा आनंद ढूंढ रहे हैं, स्थिर आनंद अथवा अस्थिर आनंद, अनित्य आनंद, नित्य अथवा अनित्य, क्या ढूंढ रहे थे, नित्य आनंद ढूंढ रहे। तो यदि आप नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक नित्य वस्तु संसार में ढूंढना पड़ेगा। अगर नित्य अनित्य होकर के आपको नित्य आनंद देगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप जो है इस नित्य वस्तु को जब आप ढूंढेंगे तो एकमात्र आत्मा अथवा ईश्वर, भिन्न संसार में कोई वस्तु नित्य नहीं है, सारा अनित्य नाशवान है।
इसलिए आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, बाकी सारा अब इसके लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अन्न वस्त्र वासस्थान ये सब जो शरीर के लिए चाहिए, आत्मा के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा तो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित रहता है। तो यहाँ पे ये आत्मसत्य अनुबोध ही न संकल्प यते विचार पूर्वक जब आप निश्चय करते हैं मैं ही एकमात्र पूर्ण व्यापक शुद्ध सत्य सत्य वस्तु हूँ, बाकी सारा परिवर्तन को देखने वाला मैं जो अपरिवर्तनीय तत्व हूँ, इस प्रकार से जब निश्चय हो जाता है तब कहते हैं न संकल्प है, तो बाहरी वस्तु संबंधी संकल्प नहीं करता। ग्राह्या भावे तदग्रह, ग्रहण करने जो कोई वस्तु नहीं है हमारे लिए एक आत्मा ही नहीं, इसलिए मन फिर तक वस्तु संबंधित किसी को वेदांत में निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। तो विकल्प मन में नहीं उठता, बस एक शुद्ध आत्मा परंतु तक वस्तु संबंधित कोई चिंता भी मन में नहीं उठता। तो भाई ये तो सामान्य बात है, सुषुप्ति में भी तो ऐसे ही होते हैं। बोलता सुषुप्ति में जो मन की प्रचार और जो है जागृत सुषुप्ति में जो मन प्रारब्ध जनित सुषुप्ति में जो मन की स्थिति और जागृत को सुषुप्ति बनाने में जो मन की स्थिति, ये दोनों में भिन्नता है। तो उस समय क्या होता है, सारा अज्ञान में लय प्राप्त करता है, बीज रूप में सारा वासना अज्ञान में रह जाता है। और जागृत को अब जब धीरे धीरे सुषुप्ति बनाते जाएंगे तब क्या होता है, वो जो बीज धीरे धीरे जल जाते हैं, बीज धीरे धीरे जल जाते हैं, तो फिर वो बीज भी काम नहीं करते, ठीक है ना। इस प्रकार से कि तदेव निर्मलियत ही सुषुप्ति निगृहित नियते, सुषुप्ति अवस्था में मन लय प्राप्त करते हैं, परंतु मन को विचार पूर्वक जब निग्रह करते हैं, मन निग्रह करने पर क्या होता है, वो लय नहीं प्राप्त करता, वो चारों तरफ एक ज्ञान के प्रकाश मात्र विवेक पूर्वक वस्तु को देखने की अभ्यास के बल स्वरूप, विवेक पूर्वक किसी भी वस्तु सामने आता है, विवेक पूर्वक उसे देखने के अभ्यास के बल स्वरूप क्या होता है, चारों तरफ उसके शुद्ध आत्मा मतलब ज्ञानालोक समंत्र जहाँ कहीं भी देखते हैं अपने कोई देखता अपने शरीर में कुछ नहीं देखते। भक्त स्थिति किसको प्राप्त किया, ये पहले प्रतिज्ञा था अजम अनित्रम असत्म अनात्मक अरूपकम सकृत विभागक सर्वगम ब्रह्मचारो मतलब। इस प्रकार के भाव को प्राप्त करने के बाद क्या कि अजब मैं जन्म रही थी व्यापक सत्य हूँ, यहाँ पे निद्रा और स्वप्न अब आपका अग्रहण अन्नथा ग्रहण नहीं है, आपके स्वरूप को ग्रहण कर लिया, परंतु नाम रूप के साथ संबंध शुद्ध अनामकम अरूपक नाम रूप के साथ जो दादा पता था वो छूट गया। और इस प्रकार की वस्तु एक बार मन में प्रकाशित होने के बाद वो बुझती कमती जलती, इस प्रकार लाइट चली गई ऐसा वहाँ पर नहीं होता, ये लाइट तो सक्रिय विभाग है, एक बार जल गया समझ में आ गया तो फिर वो इधर उधर नहीं होता है ना। और सर्वज्ञम सर्वज्ञ मतलब अपने को सारे जो भी कुछ नाम रूप दिखाई दे रहा है मुझसे भिन्न रूप में कुछ नहीं है, और उस कुछ सभी वस्तु को सत्ता पद अज्ञा स्वरूप मैं ही हूँ, इस प्रकार सर्वस्व अस्वज्ञा मतलब सभी वस्तु को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला मतलब जिस प्रकार अधिष्ठान गर्जु रज्जु रूप कल्पित सर्व का सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हैं, ऐसे सारा वस्तु मुझ में कल्पित है। इस प्रकार निश्चय होने के कारण अब तो साधन आदि करने के बचा क्या, लोक बचा रहे कथन चल, इस समय और कोई साधन ध्यान भजन पूजा कुछ नहीं, बस मन जैसे शांत अवस्था में रहते उसको ऐसे ही उसको ऐसे ही रहने, क्योंकि जब कभी भी आपको साधन है वो अज्ञान स्थिति में होता है, मैं मनुष्य हूँ मैं बंधन में हूँ मैं ब्राह्मण हूँ, शास्त्र मेरे भी कर्म करने के लिए बोले जो मुझे करना चाहिए, ये सब अज्ञान की महिमा, ये सब अज्ञान की महिमा है। धीरे धीरे उस भाव को भी मनो उपचार कथन चल, यहाँ तक कल हम लोग कर लिए 36 तक पूरा हो गया था, अब 37 आज शुरू होगा, तो समय कैसे स्थिति होगी उसको लेकर के बोलते हैं वेदांत एवं पेज 183 पेज 183 टीका में देखिए वेदांत एवं ब्रह्म इति अंगीकृत्य प्रतिज ब्रह्मपूर्ण व्यक्ति निर्दिष्ट, आत्मा और ब्रह्म भिन्न वस्तु नहीं है। वेदांत अभी अपनी व्यापकता का अनुभव कर लिया, व्यापक कौन है, शरीर नहीं है, स्वरूप हमारा स्वरूप व्यापक है, आत्मा मतलब स्वरूप, इस स्वरूप व्यापक है, ये आत्मा और ब्रह्म में भिन्नता नहीं है। और कल ये जी कल हम लोग व्याकरण में कौन कौन सा शब्द पढ़े, ब्रह्मन और रज्ज्वल और आत्मन पुल्लिंग है, और ब्रह्मन भी पुल्लिंग भी होता है, नवलिंग नपुंसक लिंग सामान्य रूप से जब मृत विशेष को प्रतिपादन करेंगे तब नपुंसक लिंग है, और जब ब्रह्म चतुर्मुख ब्रह्म में बोलेंगे तब वो पुलिंग होंगे, तब पुलिंग होंगे। तो यहाँ पे निर्विशेष तत्व को बोला वो ब्रह्म तो निपट जेंडर में प्रयोग करता है, अब उसके साथ किसके एकत्र दिखा रहे, आत्मा का है ना स्वरूप का, फलत क्या जगह पुलिंग में प्रयोग करना पड़ेगा।
ये जीव ब्रह्म के एकत्व को लेकर एकत्व प्रतिपादक कोई वाक्य को प्रयोग अलग करके नहीं करते हुए केवल मात्र लिंग परिवर्तन करते हुए क्या लिखा है आत्मा ब्रह्म में कोई भिन्न लगा है आत्मब्रह्म। इसीलिए बोलते हैं देखो विद्वान एवं ब्रह्म इति अंगीकृत विद्वान व्यापक अपने व्यापक अर्थ अशुद्धता को समझ गया इसमें प्रकृतम ब्रह्म। इसीलिए जो उसको जिस ब्रह्म को यहाँ पे विचार करके निर्णय किया उसको फिर अब विद्वान मतलब वो जो आत्मा विद्वान मतलब पुरुष जो पुरुष इसको जाना पुलिंग निर्देश थी उसको जब पुलिंग को भी निर्देश करते हैं मतलब आत्मा कैसे है व्यापक अर्थ उसको भी यहाँ पे निर्देश करते हैं। और श्लोक को पढ़ लीजिए एक बार पूरा पढ़ेंगे दोबारा श्लोक सर्वाभिलाप विगत सर्वचिंता समुत्थित शुक्र शांत सकृत ज्योति समाधि चलो भय। ये जो है उस विद्वान पुरुष की स्थिति को आत्मा की स्थिति को परमात्मा स्थिति को दिखा रहे हैं। सर्व अभिलाप विगत अभिलप्यते अनेन इति अभिलाप मतलब तो कथन किया जाता है जिसके द्वारा किसके द्वारा बागेंद्रियों का कथन के लिए अभिलप्यते अनेन इति अभिलप अर्थात विगत तद विगत मतलब इंद्रिया नहीं है जिसमें वो कैसे इंद्रिया एक बागेंद्रिय नहीं सर्व सर्व अभिलाप विगत समझ में है। तो क्या बोला यहाँ पे अभिलप्यते अनेन इति अभिलाप जिसके द्वारा कथन किया जाता है वो क्या है बागेंद्रिय और बागेंद्रिय विगत जस्मत् स अभिलाप विगत परंतु इतना बोल करके बोलते हैं सर्व केवल बागेंद्रिय उपलक्षण बना करके सारा ही इंद्रिय नहीं है जिसमें सारा इंद्रिय जिसमें व्यापार नहीं कर पाने इसमें सर्व अभिलाप विगत ठीक है भाई सारा इंद्रिय बोल दिया तो हमारे पास दो प्रकार की करण है एक बाह्यकरण एक अंतकरण। इससे बाह्यकरण तो निषेध हो गया तो आप सारा बोल दिया तो अंतकरण भी हो जाएगा बोलते नहीं नहीं अंतकरण तो अलग करके बोलते हैं क्योंकि वो इसका वो भी मुख्य समस्या है वह सब मन हटना नहीं चाहता इसलिए बोलते हैं कि सर्व चिंता समुत्थित ठीक है ना चिंतते अनया इति चिंता जिसके द्वारा चिंता किया जाता है किसके द्वारा तो चिंतते अनया इति चिंता तो अब क्या हो गया उससे समुत्थित संपर्क रूप से उठा हुआ है कोई चिंता नहीं है अच्छा फल का चिंता करने जो कुछ इंद्रियाँ हैं वो भी कम मतलब अंतकरण और बहिष्करण से नहीं जाया और इसी के साथ तारात्म करके हम व्यवहार करते हैं और इससे नहीं जाया है ना सर्व चिंता समुत्थित चिंतते अनया मतलब अंतकरण से ही पूर्ण रूप सारा चिंता से उठा हुआ है सारा चिंता से उठा हुआ है। यदि आपके अंदर मतलब ये शरीर के लिए हमारा चिंता होती है कहाँ रहेगा क्या खाएगा कहाँ जाएगा ये सारा चिंता प्लानिंग सारा प्लानिंग शरीर को लेकर के होता है आत्मा को लेकर के सत्मा का कोई प्लान करते हो नहीं आत्मा से कोई प्लानिंग संभव अब आपको निश्चय हो गया क्या निश्चय मैं शरीर नहीं जब ये निश्चय हो जाता है तो क्या होता है तब फिर चिंता अपने आप चलेगा जब चिंता अपने आप चला जाता है और प्रारब्ध यानी जो शरीर के सुखों की जीवन मुक्त अवस्था में भी जो है आपका कुछ सुख दुख की भोग प्रारब्ध भी है अब सुख दुख की भोग के लिए आपको तो मन को थोड़ा बहुत सुखी और दुखी होना पड़ेगा होंगे परंतु मैं सुखी दुखी नहीं सुख दुख मन में ये रहे प्रारब्ध हमारे पूर्व की जो कर्म के अनुसार ईश्वर ने शरीर के साथ जोड़ कर दिया अब जो है ईश्वर की इस मतलब अनुग्रह ही बने क्योंकि इसी शरीर से ईश्वर अनुग्रह से ज्ञान भी हुआ तो इस अवस्था में ईश्वर की कृपा से जो बचा हुआ प्रारब्ध है वो उसकी निर्देश से जो उसमें जो भी कुछ सुख दुख लिखा हुआ है वहाँ पे एक्टिंग करना है। जैसे कल हमारे हृदय जी बोल रहे थे क्या बोल रहे थे मैं कल सपना देखा कि मैं जो वहाँ पे पकौड़ी भुना हुआ खा रहा ठाकुर जी को तो बोलते ज्ञानी पुरुष स्वप्न देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अब बात यह है अब शुद्ध सच बताओ सपना हम किस वस्तु को देखते हैं जो हमारी वासना होती है और जब वासना ही नहीं है तो किस वस्तु को स्वप्न देखें अच्छा अपन जो रहेगी अब बचा हुआ प्रारब्ध है प्रारब्ध का अंतर्गत जाकर स्वप्न सुषुप्ति है अब जो है ये जो प्रारब्ध बचा हुआ है
स्वप्न कोई भोग हमारा नहीं है, इस प्रकार हम जानते हैं वो मैंने स्वप्न देखा वो कोई पारमार्थिक नहीं है। इसी कारण से मन में कोई वृत्ति उठी थी तो उस वृत्ति को देख लिया। जागृत काल में यही निश्चय रहता है, जागृत काल में कोई मनोवृत्ति उठी है तो इसीलिए जो सुख दुख की दूर कुछ प्रतीति हो रही है परंतु मन तक सीमित है, आत्मा में नहीं। बिल्कुल इसीलिए ये ज्ञान क्योंकि ज्ञानी पुरुष की क्या स्थिति होती है इसको तो कोई भी व्याख्यान नहीं कर सकता। कुछ शब्द यहाँ पे जो प्रयोग कर रहे ग्रंथकार कि सर्व अभिलाप विगत सर्व चिंता समुत्थित, हर चिंता से ऊपर उठा हुआ मन, यानी कि एक छोटा बच्चा को मेरे मन में खाने की इच्छा होगी देखो कैसे मिलेगा, दुकान जाऊंगा पैसा कमाऊंगा खाना बनाऊंगा, ये चिंता नहीं है मन में, ये चिंता मन में नहीं है, देखा देखा होगा होगा नहीं होगा कुछ क्या। और स्वात्मिक भोग से जो है हमारा कुछ संस्कार उत्पन्न नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो जो है मिथ्या है पहले से निश्चय है, वो तो कर्म क्षय देनी चाहिए, कर्म क्षय करने के स्वात्मिक भोग आता है। और प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक सुख दुख होता है। स्वप्न दृष्टांत भगवान ने ये भी बहुत अच्छा रहा है, क्या बनाया, प्रातिभाषिक वस्तु से व्यवहारिक सुख दुख होता है। तो इसलिए जगत में प्रातिभाषिकता को रहने दो तो हम तो सुख दुख क्यों होता है, ठीक है प्रातिभाषिक वस्तु से भी सुख व्यवहारिक सुख दुख होता है, होता कि नहीं होता, सही होता। इसलिए इस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर्व अभिलाप विगत सर्व चिंता समुक्ति, हर चिंता से ऊपर उठा हुआ किसके लिए चिंता करता है, किसके लिए चिंता करता है, किसी जगह पर आसक्ति नहीं है, कहीं पर मैं पर नहीं है, मैं पर नहीं है तो ममोभाव भी नहीं है, उसको चिंता यदि एक चिंता है तो बस स्वरूप चिंता ठाकुर जैसा माँ 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 का तो कोई बात नहीं, परंतु वो बंधन कहे तो नहीं होता, कोई बंधन कहे तो नहीं होता, तो मन का था सुख प्रशांत सुष्ठ रूपेण प्रतिष्ठ शांत फल है ना, सुष्ठ रूप से अब किसी भी प्रकार की चिंता मान उठने पर भी जो है अपने आप से उसको अलग भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी समय कोई चिंता दुश्चिंता बोलिए सब सुचिंता बोलिए, यदि हमारा मतलब ये साधन का अनुकूल नहीं है किसी के लिए चिंता का तो बस अलग बात है, महात्मा तो सर्वभूते ही दे रहा था, हम नहीं कर सकते बैठ कर किसी कल्याण चिंतन करने में आपका कोई पाप नहीं लगता, उससे आपका बंधन भी नहीं होता, इसीलिए तो महात्मा बना हमने समस्त जीव की कल्याण चिंता करें समस्त जीव कैसे समस्या से इसीलिए मानता है। इसीलिए सुख प्रशांत और क्या होता है सकृत ज्योति, एक बार जल करके मेहनत कर प्रकाश को करके चारों तरफ को प्रकाश करें। समाधि, समाधि मतलब समाहित मन के द्वारा उपलब्ध होता है इसीलिए समाधि, और आत्मा स्वयं समाधि रूप है, तुमको अभी कोई विक्षेप नहीं है, कोई विक्षेप है आत्मा में, आत्मा में कोई विक्षेप नहीं है इसलिए आत्मा स्वयं समाधि रूप है। अच्छा आप देखिए संन्यास किसको बोलते हैं, समस्त वासनाओं की त्याग, आत्मा में भी वासना है, आप नित्य सन्यासी है स्वरूप से, सब स्वरूप से नित्य सन्यासी है, ये संबंध छूट जाना किसी के साथ सर्वथा आसक्ति रही सर्वथा संश्लेष रही आत्मा का स्वरूप है, यदि इस चीज को हमका अनुभव में आ जाता है मैं वही तत्व हूँ, आपने आप ही सन्यास हो जाए, सन्यास अपने आप हो जाएगा, चिंता अपने आप ही चला जाता है। सत्य ज्योति समाधि, समाधि मतलब जहाँ पे कोई विक्षेप नहीं है, विक्रिया और विक्षेप रहित अवस्था समाधि, और इसीलिए क्यों उसके हेतु अचल बिल्कुल व्यापक है, अचल शब्द के द्वारा जिनकी जाने के लिए कोई जगह नहीं है, व्यापक है और क्योंकि व्यापक है एक से भिन्न दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब क्या है अभय, भय नहीं इसी है ना, द्वितीय कोई भय भवती द्वित से भय होता है जन्म मृत्यु हमारे भगवान को यही मत कर दो, अभिनिवेश के सबसे बड़ा क्लेश है जन्म मृत्यु जरा गति के डर कहते हैं हमेशा, है ना, कोई पक्ष निकाल गया कि डर जन्म मृत्यु जरा गति शरीर का है और जो कर्म कर रहा करता तो उन शरीर को भोगना ही पड़ेगा, इससे बच भी नहीं सकता, चिंता करने से क्या लाभ होगा, चिंता करने से क्या लाभ होगा, यदि शरीर का भोग के लिए कोई उपाचार भी होगा तो वो भी व्यवस्था जिसने बीमारी दिया हमारी कर्म वो उसका व्यवस्था वो भी करेगा, कुछ लोग छपा मन में प्रतिज्ञा होगी जितना दिन तक वो है उतना दिन तक वो होगा, उसके बाद उसका उपाचार होगा, उसका व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं, ये
से बिल्कुल निश्चय रह करके निर्भीक होकर के जीना चाहिए। सर्व अभिलाप विगत समस्त इंद्रियों से रहित है, बहिर इंद्रियों से सर्व चिंता समुचित समस्त चिंता से उठा हुआ है, मतलब वहाँ पे अंतकरण भी काम नहीं करता, सुख प्रशांत अरे तो मन पूर्ण रूप से शांत रहे और प्रकाश रूप होकर के अपना भी प्रकाश से पूर्ण रूप से प्रकाशित कर आनंद रूप से रहते हैं प्रकाश, तो पूर्णता की आनंद और समाधि मतलब कोई विक्षेप नहीं है, कोई विकार नहीं है, क्योंकि इनका जाने पूर्ण है, अचल मतलब पूर्ण है, पूर्ण होने के कारण यहाँ पे कोई चलन नहीं होता, वाइब्रेशन नहीं होता, फलत कोई भय नहीं है। जहाँ वाइब्रेशन होता है वहाँ पे क्षय होता है, विकार होता है, और विकार से भय होता है, जहाँ विकार नहीं है तो मैं पूछता हूँ विकार नहीं होता मैं पूछता दो कारण से भय होता है, मैं कोई गलती करूँ अब वो गलती किसी जान ले तो मैं अपमानित हो जाऊँगा, ये एक डर रहता है, और दूसरा डर क्या रहता है कि मैं मर जाऊँगा, बीमार पड़ जाऊँगा, कुछ और ये दोनों ही आत्मा के नहीं, गलती शरीर की इंद्रिय मन बुद्धि से होती है, और मान अपमान भी शरीर की इंद्रिय मन बुद्धि में ही है, आत्मा में नहीं, और वो सुख अथवा दुख वो भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में है, आत्मा में। इस प्रकार से ये पारमार्थिक स्थिति को दिखा रहे हैं, न्याय की बात क्या स्थिति होती है ठीक है। मैं श्लोक से तात्पर्य श्लोक के तात्पर्य को भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अनामकत्वादि उक्तार्थ सिद्धये हेतु आह। हम यहाँ पहले क्या बोल रहे थे, अनामकम अरूपकम, नाम को उच्चारण करने के लिए मानी चाहिए और रूप देखने के लिए आँख चाहिए, इंद्रिय चाहिए, इसे बोलते हैं अनामकत्वादी उक्त अर्थ, अनामक अनुरूपक बोल करके आया उक्त अर्थ, उस विषय को सिद्ध सिद्ध करने के लिए, मतलब प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए बाहर में अग्नि है, आपको क्या कहना पड़ेगा, क्यों बोल रहे हो आप, अच्छा कोई हेतु लेना पड़ेगा, आपके हेतु कहते हैं क्योंकि धुआं दिखाई दे है कि नहीं, तो प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए हमको हेतु लेना पड़ता है, यहाँ पे वही बोलते हैं हेतु माह, आपने कैसे बोल दिया कि अनामक अरूपक, क्योंकि वो जो है ना पानी इंद्रियों से इंद्रियों से भेद रूप वस्तु है ना, ऐसी जान बोलते हैं ठीक है। अनामकत्वादि उक्तार्थ सिद्धये, पहले श्लोक में जो कहा करके आया अनामकम अरूपकम, इस जो कथन करके उसकी सिद्धि के लिए मतलब अपनी प्रतिज्ञा सिद्धि के लिए ग्रंथकार बलिककारिककार हेतु दे दिए। अब हेतु क्या बोलता है, सर्व अभिलाप विगत, तो उसको देखते हैं अभिलप्यते अनेन इति अभिलाप, है ना, बोला जाता है इसके द्वारा, अभिलप्यते अनेन इति अभिलाप, लब धातु जनरली स्पीक अर्थ में आता है, अभिघोषण तो प्रकट लब धातु है, अभिलाप करते हैं अच्छा लब धातु है, और यहाँ पे भय प्रत्यय आदि लाभ हो गया, लब धातु लब लाभ हो गया अभिलाप, अभिलप्यते अनेन मतलब बोला जाता है इसके द्वारा, किसके द्वारा, बागेंद्रिय के द्वारा, इसके बोलते हैं, इसको बोलते हैं अभिलाप वाक करण, वो क्या है वो बागेंद्रिय वे करण इंद्रिय है बोलने के लिए, असाधारण कारण करणम है ना, इस बागेंद्रिय के किसी चीज़ को अभिव्यक्त करने के लिए मान ही आपके पास एक मात्र करण है, इंस्ट्रूमेंट है। सर्व प्रकार से अभिधान से तस्मात विगत, हर प्रकार के जो शब्द है अभिधान मतलब शब्द, हर प्रकार के शब्द से वो रहित है, हर उसमें शब्द उपयोग नहीं होता। सर्व प्रकार से अभिधान से अभिधान अभिधेय, पहले बोल करके अभिधान हो गया नाम और अभिधेय हो गया वस्तु, ये आत्मा अभिधान से रहित है, इसीलिए अभिधान से तस्मात विगत, इससे वो रहित है, उससे रहित है। अब बोलने हैं कि वहाँ पे सर्वपद आया हुआ है, उससे बोलते हैं वाक अत्र उपलक्षण आता, वाक शब्द यहाँ पे उपलक्षण है, उपलक्षण क्या होता है जो अपने को बोध कराते सजातीय वस्तु का भी बोध कराते, उसको बोलते हैं उपलक्षण। यहाँ पे वाक एक इंद्रिय है, करण है, जो अपने करण इंद्रियों को बोध कराते अन्य इंद्रियों का भी बोध कराए, चक्षुरादि इंद्रिय बोलते हैं, मतलब चक्षु उपलक्षण है, समस्त इंद्रियों का बोध है। यहाँ पे जो है वाक अत्र उपलक्षण अर्थात मतलब क्या हो गया, सर्व बाह्य करण वर्जित है ना, समस्त बाह्य करण से हो रहे हैं, तथा सर्व चिंता समुत्थित, इसी प्रकार से समस्त चिंता से सम्मत रूप से उठा हुआ है, समस्त चिंता से सम्मत रूप से उठा हुआ है, ये साधु का बहुत बड़ा लक्षण, अच्छा लक्षण,
अद्वितात्म संध्या सुखाई विशेष करके वेदांति विचार करते हैं, सारा चिंता सुख क्या होगा क्या होगा हुआ क्या बिगड़ने वाले हैं। तो भाष्य का पंक्ति से मेरे को ऐसा लगता है भाष्य का वास्तु होता है साधुता ये भी एक लक्षण है सन्यासी का चिंता से भी हो गया ठीक है। जो काम आया आपके लिए प्रत्येक कर्म की अपना एक निर्दिष्ट गति होती है। आप एक शुद्ध जो भी आपको भगवान ने कुछ काम शरीर से करें उसको शुद्ध संकल्प करके शुरू कर ठीक है। एक कर्म अपनी गति से होता है उसके लिए क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा अपने आप जो जिसने शुरू किया वही व्यवस्था करते हैं। इसलिए ठीक है हम एक निमित्त रूप में उसमें मदद कर बिगाड़ेंगे नहीं, परंतु ये एक साधुता के अच्छे लक्षण है। हर प्रकार की दुश्चिंता से मुक्त हो जाए, हर प्रकार की किसने चिंता की हम भय होकर कैसे हो बल्कि कम से कम दूर से अच्छा हो भगवान को अलग रहने तुम्हारे पास क्या क्या चिंता है। वो बीवी की चिंता, बच्चों की चिंता, इसका नौकरी मकान की चिंता, ये हमारे पास ये नहीं है। और बचा एक शरीर, अब तुम शरीर को आत्मा मानते हो, मैं शरीर को एक कल्पना मानता हूँ, तब उसके लिए भी अधिक परेशानी का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार सपने में देखा हुआ वस्तु को लेकर हम चिंता नहीं करते। अच्छा शास्त्र पर के सज्जन के पर के निश्चय है या तारे शरीर भी एक सपना ही जैसा है ठीक है जब तक है सपना। इसलिए जो है अब खुद ही बोलोगी अच्छा कौन है तो हंसते उत्तर क्या देगी अच्छा कौन है, मतलब शारीरिक स्थिति ऐसी है। इसलिए सर्व चिंता समुद्र बहुत अच्छा शब्द है भगवान नाच का हास्यकार ने अक्षर हमारे कारिका कर तरीका कर नहीं कि देखो सारा चिंता से मुक्त हो जाओ। क्योंकि वो अब चिंता से क्या बोला है यहाँ पे चिंतते अनया है ना, यहाँ पे वहाँ पे बोले थे अनेन, यहाँ पे बोलते हैं अनया, दोनों में क्या भिन्नता है कि एकदम शब्द का ही एक जो है पुल्लिंग रूप है एक स्त्रीलिंग रूप है ना, मैस्कुलिन है अनेन होता है पुल्लिंग और अनया होता है स्त्रीलिंग। तो आप क्योंकि वो जो बुद्धि स्त्रीलिंग है इसलिए और वहाँ पे करण बोलना वायु करण वर्जित इसलिए वाद लक्षण अभिलप्य थे अनेन अभिलाप है ना, इसलिए बाप करणम पे चिंतते अनया इति चिंता, चिंता से क्या होता है बुद्धि ठीक है ना, बुद्धि रूपी कारण अंत करो कहना जाए तस्या समुत्थित है ना उससे उठा हुआ है ना बुद्धि मंत्र करण अंत तस्या पंचमी है किसी भी प्रकार के निश्चय संकल्प होता है इसीलिए उससे उठा तस्या समुचित उससे संभव रूप से उठा हुआ है ना अंतकरण वर्जित है ना, आत्मा के अंतकरण से नहीं अंतकरण से नहीं क्या होता है कि ये इस चीज़ को भी थोड़ा धीरे धीरे इसको करें आज सत्य को समझेंगे ना। और ठीक ऐसे ही हमारी स्थिति होती है हमारे स्वरूप के बारे में वर्णन कर रहे हैं। देखो भाई अच्छा सच बता रहा हूँ, जब यहाँ पास में आते हो एक त्रिपुण लगा दो एक बार दर्पण में आपके चेहरे को देखते हो कि नहीं देखते हो, प्रत्येक व्यक्ति के सामान्य टेंडेंसी होता है कि आपने को देखना पसंद करता है, करता है कि नहीं करता और सच सच के बहुत पसंद है। अब बताओ ये उपनिषद एक ऐसा दर्पण है और जो शरीर नित्य बुढ़ापा की ओर बीमारी की ओर जा रहा है मरण की ओर जा रहा है उस शरीर को भी हम देखना पसंद करते हैं और जो हमारा नित्य स्वरूप आत्मा जितना सुंदर रूप है जहाँ पर कोई विकार नहीं है, जहाँ पर जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जरा नहीं है, व्याधि नहीं है, चिंता नहीं है, इस प्रकार के रूप को देखना पसंद नहीं करोगे। ये उपनिषद जो है शास्त्र जो है हमारे स्वरूप की दर्पण है, शास्त्र हमारी स्वरूप की दर्पण है, इस शास्त्र को ठीक से देखना सीखो अपने स्वरूप सामने दिखाई देने लगे दर्पण कैसा देखो। लेकिन हमें बोलते हैं चिंतते अनया इति चिंता बुद्धि तस्य समुत्थित उससे उठा हुआ अंतःकरण वर्जित इति अर्थ। परंतु भगवान भाष्यकार जो है कोई भी शब्द बोलते हैं तो कारिका का कुछ बोलते हैं क्योंकि क्या बोला कि प्रज्ञा वैशाख वेद सुमित जल निधि वेद अनंत संपूर्ण वेद को अपने प्रज्ञा वैशाख के द्वारा मंथन करके इसको लिखा गया।
तो कौन सा वेद वाक्य को मंथन सा भी निष्कर्ष कर सकते हैं कि सर्व विलाप विगत सर्वचित समर्थ्य तो मतलब श्रुति बोलती है कौन सा श्रुति अप्राण ही अमन अशुभ्र यक्षरा कर तो कर दिव्यो ही अमूर्त पुरुष पहले रहे दिव्यो ही अमूर्त पुरुष सब बाह्य अभ्यत करो ही अजय ठीक अप्राण ही अमन अशुभ्र यक्षरा कर विजय दिव्य उद्योगन से स्वयं प्रकाश पूर्ण तत्व जो भी महारत का जो भी कुछ एक ही तत्व व्यक्त है परंतु उसमें ना प्राण है ना मन अप्राण ही अमाना शुद्ध मतलब कोई क्रिया नहीं है कोई चिंता नहीं है शुद्ध है अक्षरात परत पर अच्छी देख अक्षरात की पंचमी है और परत भी पंचमी है जो परम अक्षर है एक अक्षर तत्व हिरण्य गर्भ हो गया अक्षर तत्व उससे परम उससे अक्षर तत्व ईश्वर तत्व उससे भी पीछे गए परत अक्षरात परह परत अक्षरात पर है ना क्योंकि हिरण्य गर्भ भी लंबा समय तक रहते उसका अपेक्षित अमृतत्व है निरपेक्ष नहीं है और फिर ईश्वर में भी आपका वो उस अक्षर से ये अक्षर अच्छा है और उससे भी लीजिए क्योंकि देखो जो पुरुषोत्तम जो जस्मान छदति तो हम अक्षरात भी जो उत्तम अतस्मिन् लोके वेदे च प्रतीत पुरुषोत्तम यह पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम तत्व है ना देखा हो गया कि क्षर जितना भूत हिरण्य गर्भ से लेकर के उत्पत्ति है इससे भी मैं परे हूँ और जस्मान अक्षरात भी जो अक्षर मतलब ईश्वर तत्व उससे भी मैं परे क्षर अक्षर दोनों से परे जो तत्व है वो हो गया पुरुषोत्तम इसलिए अक्षरात परत पर वो कैसा है वो दिव्यो ही अमूर्त पुरुष वो दुर्दक्ष स्वयं प्रकाश है ना कोई मूर्ति नहीं है उसका विदाउट एनी नेम एंड द फॉर्म अप्राण ही हमारा शुक्र ईश्वरी वक्त है उसी को देखिए यहाँ पे बोले इस सूत्र के आधार पर हमने ऐसा वर्णन करते हैं अप्राण ही मुंडक उपनिषद 2:1-2 है ना दिव्यो ही अमूर्त पुरुष सबाई अभ्यंतर ही अप्राण ही हमारा शुक्र यक्षरात पर पर अक्षर से भी पर है जस्मात सर्व विशेष वर्जित ठीक है ना तो जितना हमारे पास विशेषता है ना उस विशेषता को रक्षा करने के लिए हमारी चिंता अब जब निश्चय हो जाएगा कि आत्मा में कोई विशेषता नहीं है तो किसकी रक्षा के लिए थी है ना किसकी रक्षा के लिए थी इसीलिए आप बोलते हैं जस्मात सर्व विशेष वर्जित अच्छा बोलते हैं क्योंकि मैं सारा विशेष से रहित हमारे प्रयास देख रहे क्या है हमारे अंदर कोई गुण हो कोई विशेषता हो उसको रक्षा करने का प्रयास करता है क्योंकि मैं सारा विशेष से रहित हूँ इसलिए कोई चिंता नहीं है उसको रक्षा करने की भावना ही नहीं है इसलिए सुख प्रशांत है ना सम्मत प्रशांत अवस्था में रहना अच्छा एक नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं अप्राण ही अमाना शुद्ध ऊपर टिप्पणी है एक नंबर टिप्पणी पूर्वत्र त्याग पदेन जन्मादि षट भाव राहित्य बोधनेन स्थूल उपाधि राहित्यम अबोधि ये तत्व है ये जो सर्व यहाँ पे सर्व अभिलाप विगत विगत मतलब जन्मान ये त्याग मतलब है नहीं जिसके किसी ने बताया ये तत्व पूर्वत्र त्याग पदेन इसे क्या दिखाया जन्मादि षट भाव राहित्य बोधनेन मतलब क्या हो गया कि जन्म मृत्यु फिर है जायते अस्थि वर्धते विपरीत अपेक्षित न सदिच्छय भाव विकास रहते रहते ना स्थूल उपाधि रहितम अबोधि मतलब मैं स्थूल उपाधि से रहित हूँ ऐसा बोध कराया कि रूप ऐसी नहीं अबोधि चीन और रूप वहाँ पे जो डायमेंशन का रूप हो जाता है तो वहाँ पे स्थूल उपाधि रहितम अबोधि एतत् पूर्वत्याग पदेन अंधिविगत जन्मादि षड भाव राहित्य बोधने का जन्मादि षड भाव की राहित्य के बोधन के द्वारा स्थूल उपाधि राहित्य अवधि से क्या हो गया अप्राण ही अमाना शुद्ध स्थूल उपाधि से राहित्य में अप्राण के द्वारा अप्राण इत्यादि न च सूक्ष्म वर्जन उसको फिर क्या बोलते हैं कि उसमें सूक्ष्म शरीर का भी जो है प्राण की क्रिया तो दिखाई पड़ता है और मन की क्रिया दिखाई नहीं पड़ता है ना तो अब प्राण अमाना शुक्र मन से भी रहित है और प्राण से भी रहित है स्थूल शरीर से भी सूक्ष्म शरीर से भी दूर से रहित है फिर क्या बोला अक्षरात परत परे के अने न कारण रहितम कारण शरीर अक्षर शरीर परे है देखिए ये जो हमने कारण शरीर किसको बोलते हैं अविद्या तो समष्टि में क्या है माया 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 को परिकल्पना ईश्वर है ठीक है ना
और ईश्वर से भी परे है, मतलब माया से भी अविद्या से। इसीलिए हम बोलते हैं अक्षरात परतर पर, तो पर अक्षर से भी पर है। यदि अनेन इसके द्वारा कारण रहित, तो प्राण के द्वारा अप्राण यहाँ पे स्थूल शरीर है, तो मन के द्वारा सूक्ष्म शरीर के राहित, अथवा यहाँ पे जो सर्व अभिलाप विगत उसके द्वारा क्या होगा स्थूल शरीर के राहित, और सर्वचिंतक समुचित मतलब सूक्ष्म शरीर से राहित, और अप्राण फिर अक्षरात परत के द्वारा क्या है कारण शरीर से भी रहित, क्योंकि अक्षर शब्द परत अक्षरात मतलब ईश्वर अंतर जाने उससे भी पीछे बैठा शुद्ध जाएंगे कारण से भी रहित है। इस प्रकार से एक त्याग बदना जन्म विषय प्राप्त राहित्व गुण स्थूल उपाधि राहित्य भाव भी अप्राण इत्यादि न सूक्ष्म वर्तन भी दोनों को मिल करके सूक्ष्म चरित्र कभी रही हूँ मैं, और अक्षरा परत पर रही तो अने कारण राहित नहीं थी एता बता क्या दिखाई फिर के द्वारा कम पदार्थ शोधन अकारी भी देखिए कम पदार्थ का शोधन करके यहाँ पे दिखाया गया कैसे दिखाता है अकारी भी अबोधि अकारी है ना एक गुण पहली ऐसा किया गया है ऐसा समझना चाहिए। फिर आया सुख प्रशांत दो नंबर टिप्पणी मतलब सर्व विक्षेप रहित सुख प्रशांत समस्त विकार समस्त विक्षेप से रहित सत्कृत ज्योति पहले दिया मतलब सदैव ज्योति हमेशा प्रकाश स्वरूप इसको प्रकाश करने के लिए उसका किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को प्रकाश करने के लिए कोई दूसरा प्रकाश की आवश्यकता होती नहीं होती। सूर्य को प्रकाश करने के लिए अथवा दीया को प्रकाश करने के लिए दूसरा प्रकाश की आवश्यकता है नहीं है। कौन है वो सूर्य के प्रकाश के लिए सूर्य है कि सूर्य पिंड जैसा भी सबको प्रकाश करते हैं सूर्य पिंड सबका प्रकाश करते हैं है ना वो परंतु मैं सूर्य हूँ ऐसा नहीं कह सकता। सूर्य के अंदर जो देवता आदि बैठा हुआ है पृथ्वी से लेकर पृथ्वी वो देवता भी अपने आत्मा को नहीं जान पाते तो अंतर जाके ब्राह्मण ने ऐसा कहा जो पृथ्व्या तृष्ठा पृथ्व्य अंतर य पृथ्वी न वेद यश पृथ्वी शरीर यम पृथ्वी अंतर जमयति ये शतवा अंतर पृथ्वी से लेकर आकाश भूत भौतिक अधिदेवी सभी जगह पे जो यहाँ पे जो विज्ञान है तृष्ठम विज्ञान अंतर विज्ञान अंतर जमयति जब जस्ट विज्ञान है व शरीर विज्ञान में आता है ऐसा है जिसको विज्ञान भी नहीं है बुद्धि भी इसको नहीं जान पाते जीवात्मा को लेकर भी ऐसे ही कहा गया। इसलिए सत्कृत ज्योति सदैव ज्योति आत्मचेतन स्वरूप न क्या है आत्मा चेतन का ही स्वरूप होने के कारण उसका प्रकाश हमेशा बनता है उसी प्रकाश के द्वारा सारा संसार प्रकाशित होता है तस्व भाषा सर्वविदम विभाग। फिर आया समाधि है ना वहाँ पे पहले क्या था सर्व सूर्य प्रशांत सत्कृत ज्योति उसके बाद समाधि अचल अवय लेकिन समाधि निमित्त प्रज्ञ अवगम्यत्वात् है ना सम्यक बुद्धि शुद्ध होने पर ही तब ये समझ में आता है इसीलिए इसका नाम समाधि है ना समाधि मतलब समाधि निमित्त प्रज्ञ अवगम्यत्वात् इसलिए जो दर्शन बोलते हैं ऋतम भरा तत्व प्रज्ञा इस प्रकार सांसारिक वस्तु से मन उठ जाने पर मन स्थिर होने पर उस समय अंतर से जो बोध उत्पन्न चित्त उत्पन्न वो सत्य से भरा हुआ आपको आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने कुछ सोचा वो सत्य हो गया अतः सत्य होकर आपको सामने ये कैसे हो गया यानी कि अंतकरण शुद्ध होने का फलस्वरूप अपने आप ही हो गया जिसने कुछ सोचा अपने आप हो गया कोई प्लानिंग के बिना जो हो आदमी दूसरे किसी को समझा होता कैसे इसीलिए समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यत्वात् इसीलिए उसका नाम दिया समाधि अथवा समाधि अति अस्मिन व समाधि अथवा मन वहाँ भी स्थिर हो जाता है इसीलिए उसका समाधि दो प्रकार से बोलते हैं मतलब शुद्ध अंतकरण में वो दिखाई देता है इसीलिए उसका नाम समाधि अथवा मन उसमें एकाग्रित किया जाता है इसीलिए उसका नाम समाधि चाहते हैं उसको प्राप्त करना चाहते हैं तीन नंबर टिप्पणी बोलते हैं समाधि मतलब एकाग्र एकाग्रता एकाग्र बुद्धि कठोपनिषद क्या बोलती है दृश्यते त्वक्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः इसमें सामने केवल अब एक एव अग्रदस्य स एकाग्र एकाग्र एकांत इसका अनुमान लगा सोचिए एकाग्र मतलब आगे हमारे सामने एक ही लक्ष्य है
एक ही वस्तु है अथवा एकांत, एक ही अंत हो गया ये हो गया एकांत। बाकी बाहरी एकांत तो जो है ना दूसरे वो एकांत तो मतलब घटिया एकांत है, आप कहीं भी रहेंगे लेकिन मन एक जगह पिछले एक एक जगह का अंत हो गया वो एकांत, आप कहीं किसी की जगह पर एकांत के आनंद दे सकते हैं। इसे इसको समाधि समाधि निमित्त प्रज्ञा अवगम्यता का समाधि निमित्त मतलब एकाग्रता के निमित्त से जो बोध भी व्यक्त होता है, एकाग्रता के निमित्त से जो बोध भी व्यक्त होता है। एकाग्रता क्या है कि ज्यादातर जो भी कोई वस्तु देखते हैं तो मन में वो वस्तु संबंधित चिंता नहीं होती, मन में ये साक्षी नाम करते हैं। जब मैं पहले मैंने यहाँ पे क्या बोला कि योग समाधि और वेदांतिक समाधि में ये भिन्नता है। योग समाधि तो आँख नाक कान सबको बंद करके मन को रुद्ध करके मन से, और वेदांत तो क्या बोलते हैं मन को शुद्ध कर विचार पूर्वक जागतिक वस्तु में मिथ्यात्व तो निश्चय करके, जैसे मिथ्या वस्तु लेकर के हमारे मन में कभी चिंता नहीं होती, इसी प्रकार जागृत काल में बैठ करके संसारी वस्तु संबंधित चिंता ना हो तो मन शुद्ध। श्रोता समाधि अभी अश्विन वह समाधि है ना जिसमें मन स्थिर हो जाता है। तीन नंबर सूत्र जो मंत्र एकाग्रता, फिर अचल, अचल मतलब अविक्रिय, कोई क्रिया नहीं है ना, कोई क्रिया नहीं है इसलिए लिखते हैं अतएव अभय, जहाँ विकार होगा वहीं भय होगा, जहाँ विकार होगा वहाँ भय होगा और जहाँ विकार नहीं है वहाँ भय नहीं, इसलिए अतएव अभय मतलब विक्रिया अभाव, विक्रिया अभाव जिस प्रकार कर्मेंद्रियों की व्यापार नहीं है और ज्ञानेन्द्रियों की व्यापार नहीं है, थोड़ा तो कोई विकार नहीं है, अविकार नहीं है तो नाश भी नहीं है, इसीलिए अभय प्राप्त है, इसलिए अचल अभिक्रिय अभय अचल चरणादि विविध, केवल चलता नहीं है पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय के ऊपर बोल कर कहे सर्व अभिलाप विगत सर्व चिंत समुद्ध, इसीलिए क्या होता है कि इसके अभाव होने के कारण वो अभय प्राप्त है। अब देखिए टीका का क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए भाष्य में बाप अत्र उपलक्षणार्थ, ठीक है मिला भाष्य में 183 में अत्र इति प्रकृत पद उपादान उपादान, हाँ तो अत्र है ना बाप अत्र उपलक्ष उपलक्षणार्थ का, यहाँ पे अत्र मतलब उद्देश्य वाक्य अर्थ करे भगवान भाष्यकार सर्व अभिलाप विगत, ठीक है ना अभिलप्यति अनंत बात बोला, यहाँ पे बाप अत्र अत्र मतलब इस वाक्य में कौन वाक्य में सर्व अभिलाप विगत, इससे क्या करते हैं बाघ इंद्रियों को बोला, तो क्या होता है कि अत्र उपलक्ष सर्व समस्त इंद्रियों का उपलक्षण है, इसी कारण बोलता है अत्र प्रकृत पद उपादान, चार नंबर प्रकृत पद उपादान मतलब अभिलाप पद, ऊपर जो अभिलाप पद है ना उस पद को यहाँ पे खत्म करना चाहिए। तरी टीका में सर्व कर्ण वर्जित अत्रैव सिद्धत्वा उत्तर विशेषणम अनर्थक, सर्व आपने वहां पर सर्व विशेषण दे दिया, सर्व विशेषण जब आपने दे दिया तो फिर मन ने यह बोलने की क्या आवश्यकता रहेगा, ऐसे बोलते हैं तरी तब तो सर्वकर्ण वर्जित अत्र सिद्धता तो इसी यहीं पर सिद्ध हो जाने का ना उत्तर विशेषण अगला विशेषण पर चिंत समुचित वो अनर्थ आशंका नहीं नहीं, इसके द्वारा बाह्य कर्ण को कहा अंतकर्ण को नहीं कहा, इसलिए बोलते हैं सर्व बाह्य कर्ण वर्जित इति पाँच नंबर टिप्पणी तरी वाच उपलक्षण अभ्युपगमे, तभी मतलब वाणी को समस्त इंद्रियों को उपलक्षण मान लेने पर तो सारा इंद्रिय ही नहीं है वहाँ पर फिर आपको अंतकर्म क्या है, बोलते हैं यहाँ पे केवल बाह्य कर्म के द्वारा कहा गया वो अंतकर्म की व्यापार की भिन्नता है, बाह्य कर्म केवल मतलब वर्तमान वस्तु का बोधन होता है और अंतकर्म भूत भविष्य वर्तमान शील मन सदैव सकता है, इसलिए तो अलग करके कहा गया। अच्छा बाह्य कर्ण संबंध रहित अंतकर्ण संबंध रहितम दर्शयती है ना, जैसे आत्मा का बाहरी इंद्रियों के साथ कोई संबंध नहीं है उसी प्रकार अंतकर्ण के साथ भी कोई संबंध नहीं है, बाह्य कर्ण संबंध रहित अंतकर्ण संबंध रहितम दर्शयती तथा तथा सर्वचिंता समुचित चिंतते अन्य चिंता बुद्धि तस्य समुचित अमे तस्य पंचमे उससे उठा हुआ अंतकर्ण। अच्छा इसलिए उभयविध कर्ण संबंध वैधुर्येण
आत्मनो शुद्धते प्रमाणम आह। दोनों प्रकार के कारण की विधुरता के फल स्वरूप आत्मा जो शुद्ध है इस विषय में श्रुति वाक्य को प्रमाण स्वरूप हमारे पास एक ही प्रमाण है श्रुति प्रमाण, इसलिए बोलते हैं प्रमाण। उभय विध करण संबंध दोनों प्रकार की कारण के साथ संबंध की विधुरता है। देखिए ये जिन संबंध में कैसे होता प्रयोग कैटे करता है, आत्मा में कारण नहीं है ये तो सही है, वो कारण शरीर में है और शरीर के अंदर ही आत्मा प्रकाशित हो रहा है, परंतु उसके साथ संबंध रहित है। हाँ संबंध रहित है, इसलिए बोलते हैं उपाधि उभय विध कारण संबंध। दोनों प्रकार की उपाधि कहाँ पे है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उपाधि, उस उपाधि के साथ रहते हुए भी उसके साथ संबंध नहीं है आत्मा का, संबंध वैध होता है। उभय विध कारण संबंध वैध हुए न आत्मा शुद्ध प्रतिपद आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। पहले इस विषय में प्रमाण को दिखाते हैं, प्रमाणित प्रतीक आप इस पन्ने में अप्राण अमना शुभ्र यक्षरा पर ठीक है ना, इस पन्ने प्रतीक है। अभी बोलते हैं कारण संबंध राहित्यम आह है ना, जो स्थूल और सूक्ष्म के साथ अपना संबंध छोड़ गया, परंतु कारण सहित कारण सहित के साथ संबंध कारण के साथ नहीं नहीं इसमें कारण संबंध अक्षरात परत पर मतलब माया से भी पढ़े अज्ञान से भी पढ़े, इसीलिए बोलते हैं कारण संबंध समझ में आया ना। ये तीन स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर प्रमाण कैसे दिया, असर्व अभिलाप विगत सर्वचित्र संबंधित, यहाँ पे इस श्लोक को उद्धृत किया, उस उद्धृत में दिखाया कि अक्षरात परत पर मतलब परम अक्षर से भी पर है, मतलब वहाँ पे माया उपहित चेतन से भी पैर पीछे बैठा हुआ है, माया ही तो अभी क्या है वृष्टि में, इसलिए उससे वो रहित है। अक्षरात परत पर ठीक है ना, छह नंबर टिप्पण है ठीक है ना, कारण संबंध राहित्य छह नंबर तो होगा उपाधि विशेष, कारण उपाधि से कभी हमारा संबंध नहीं है, एक कारण उपाधि एक सूक्ष्म उपाधि एक कारण का स्थूल उपाधि दूसरे सूक्ष्म के कारण से तस्य परतः कार्य अपेक्षा द्रष्टव्यम अक्षरात परतः पर, तो अक्षर में पर शब्द क्यों प्रयोग किया, दो बार पर शब्द प्रयोग हो अक्षर में पर शब्द प्रयोग किया उससे पीछे भी एक पर शब्द प्रयोग, जो पंचमी मंत्र तो पर शब्द है तो वहाँ भी पर शब्द क्यों लाया, वो इसलिए पर शब्द लाया हिरण्यगर्भ की अपेक्षा से इष्ट से कार्य की अपेक्षा से कारण श्रेष्ठ होते ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं आपे तस्य परतः मतलब वो जो अक्षर तत्व है उस अक्षर तत्व में जो परत धर्म बैठा हुआ है वो किसकी अपेक्षा से कार्य अपेक्षा दृष्ट कार्य की अपेक्षा दृष्ट अब जो है कि उक्तम हेतु कृत्य विशेषणांतरम विश्वलयति मतलब ये समस्त आयकरण मतलब कार्य शरीर स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तीनों से रहित है आत्मा, वेद मतलब इससे संबंध नहीं है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर तो दिखाई दे रहे हैं मतलब आत्मा इसके साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए बोलते हैं उक्तम हेतु कृत जिसको कथन करके आया उसी को हेतु बना करके विशेषणांतर विशेषणांतर क्या हो गए शुभ प्रशांत सत्य ज्योति विषदयति इसको विस्तार से कहेंगे। छह नंबर टिप्पणी देखिए उक्तम देखिए बोल रहे हैं स्थूलादि राहित्यम इति अर्थ स्थूल शरीर के साथ संबंध नहीं है सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध नहीं है कारण शरीर के साथ संबंध नहीं है, इस प्रकार कथन करने के बाद स्वरूप क्या हो गया, जब अज्ञान नहीं है तो चिंता भी नहीं है, अज्ञान से चिंता होती है तत्र को मोह को शोक एकत्र मन प्रश्न है एकत्र का बोध होने के बाद कि शोक मोह उसके लिए चिंता उत्तम हेतु जो पहले कथन कर स्थूलादि रहित स्थूल सूक्ष्म कारण आदि से दोनों को ग्रहण कर इससे रहित है आत्मा मतलब इसके साथ संबंध नहीं है आत्मा का है ना, इसको मन में रखते हुए अगला जो दो विशेषण दिया है उसको व्याख्या करते हैं। जस्मात् सर्व विशेष वर्जित किंतु समस्त विशेष से नहीं है इसलिए शुभ प्रशांत है ना, सुष्ठ रूपेण प्रतिष्ठ रूपेण शांत दो विषय इस पर देखिए सुस्वागतम लिखा रहे सुश्रु आगत दो वाशु पर मैं आदर लिखा सु और पूरा सुष्ठ रूप है चारों तरफ से शांत प्रशांति अस्मिन् परस्मिन् आत्मनि समाधीयते निक्षिप्यते जीव तत् उपाधिश्च इति समाधि परमात्मा। देखिए अस्मिन् परस्मिन् आत्मनि समाधीयते मतलब निक्षिप्यते मतलब अभेदम आपद्यते समाधि मतलब
जीव इस स्थूल सूक्ष्म और कारक अवस्था से नहीं जो तत्व है उस भाव को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, उस स्थिति में आना चाहते हैं, इसी को समाधि बोलते हैं। अस्मिन परस्मिन आत्मने, इस परमात्मा ने समाधि यते, समाधि अर्थ क्या कर दिया, धातु नाम बहु अर्थत्वा, इसका अर्थ क्या कर दिया, निक्षिप्यते, है ना, निक्षिप शब्द परिणाम क्या होता है, निक्षिप पद का अभेदम आपद्यते, है ना, अभिन्नता भाव को, इसी के साथ अभिन्नता के भाव को प्राप्त करता है, मतलब क्या हो गया, अपनी परिच्छिन्नता को व्यापकता में आहुति दे देती है, अपनी परिच्छिन्नता को व्यापकता में, जीव भाव को शिव भाव में आहुति देना, परिच्छिन्नता को व्यापकता में ब्रह्म में आहुति देना, इसी को समान स्वरूपों के बारे में अपने स्वरूप के साथ एक हो जाए, इसलिए बोलते हैं अस्मिन परस्मिन आत्मनि समाधि यते निक्षिप्यते जीव तद उपाधिश्च समाधि, इस प्रकार उपाधि वाला होते हुए इसको समाधि बोला गया, समाधि मतलब परमात्मा, मतलब उपाधिश्च बना उसका उपाधि सहित जीव जो है अपने भाव को उपाधि सहित मतलब अब तक करण उपाधि सहित अपने परिचन्नता के भाव को इसका अंगी बना सकते समाधि। समाधि निमित्तया प्रज्ञया सस्य अवगम्यत्वात् वा समाधित्वम् अवगम्यत्वम्, है ना, अतः इसको समाधि क्यों कहा, समाधि निमित्तया प्रज्ञया मतलब एकाग्रता के कारण से जो बौद्धिक शुद्धता होती है उस बौद्धिक शुद्धता से ये समझ में आता है ना, पहले बोल क्या कहा मन तो समाधि मतलब एकाग्रता, तो समाधि यदि आठ नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं, समाधि समाधि इति बहुप्रिय इति भाव तत्व्यापि समाधीयते यस्मिन् अथवा समाधि जिसमें ये समाहित होता है बहुप्रिय समाधि, अरे इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जिसमें ये समाहित हो समाधि निमित्त या प्रज्ञा कस्या अवगम्य, तो समाधि निमित्त प्रज्ञा के द्वारा ही उसका बोध होने के कारण, समाधि निमित्त प्रज्ञा के द्वारा ही उसका बोध होने के कारण, है ना, इसके इसे बहुत स्पष्ट हो गया, समाधि के निमित्त से जिसका बोध होता है, ऐसा बोलते हैं मतलब जैसा मुखर की वस्तु जिसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है वो ना माइक्रोस्कोप और देखना उसमें हमारा नहीं है अंत, जिसको देखा जा रहा है उसमें हमारी बहुत सी गोपरी समाज में जिस विग्रह का कुछ भिन्न वस्तु में हमारा अभिप्राय रहता है गोपरी समाज में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाधि निमित्त प्रज्ञा तस्वगम, समाधि निमित्त प्रज्ञा से उसको समझ में आने के कारण का समाधित्व अवगम, उसको समाधि इस शब्द के द्वारा कहा गया था समझना चाहिए, तो फिर समाधि हो गया, समाधि समाधि यदि अस्मिति पर समाधि ये भी अर्थ हो गया, अचल मतलब क्या है, अभिक्रिय जिसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, इसी पर अतएव अभय विक्रिय अभाव अतएव प्रिय अतएव यदि उत्तम स्फूटयति उत्तम मतलब क्या है, विक्रिया के अभाव है यहाँ पे, है ना, इसलिए बोलते अतएव यदि स्फूटयति अतएव अभय क्यों, अतएव मतलब विक्रिया अभाव तस्मात इस कारण से विक्रिया नहीं है इसलिए अभय, इस प्रकार से ज्ञान में जो है देखिए परम शुद्ध श्लोक आता है, कृष्ण भोगी और सुख त्यागी निगौ जनक राघव और वशिष्ठ कर्मकर्ता च पंचैते ज्ञानिन समान, कृष्ण भोगी 16108 प्राणियां और सुख त्यागी सुनते ही भाव, कृष्ण भोगी सुख त्यागी और नृप जनक राघव, है ना, रामचंद्र और जनक ये राजा थे, है ना, ये जो राजा थे कृष्ण तो राजा के पार का महाभोगी भोग लंपट जैसे ऐसा बोलते और नृप जनक राघव और एक वशिष्ठ थे कर्मकांड थे पक्का कर्मकांड थे वशिष्ठ कर्मकर्ता च पंचेते ज्ञानिन समान, तब ये पांचों में ज्ञानित्व भी कोई कमी नहीं है, समान है ज्ञान, कृष्ण भोगी सुख त्यागी नृप जनक राघव वशिष्ठ कर्मकर्ता च पंचेते ज्ञानी न समान, पांच ज्ञान दृष्टि से सभी समान है, यहाँ पे दूसरा वाला होगा अंतिम का पीछे
दूसरा वाला होगा प्रज्ञा वैशाख वेद सुमित जल वेदनाम भूतायालुक्यमरणानि समुद्रे कारुण्यालुद्धारामृतमिदमरहे दुर्लभं भूतहेतो यस्तं पुच्छामि विपुच्छं परमं पादपादे नतोऽस्मि ॐ Thank you.